दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि दो दिनों से CBSE की न्यूज़ निकल रही है कि दो पेपर लीक हो गए, क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के। क्लास टेंथ का मैथ्स और क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे मुझे नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास टेंथ का मैथ्स पेपर और क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स पेपर लीक हो गया है, लेकिन अफवाहें भी फैल रही हैं। कोई कह रहा है इसकी डेट्स अभी आई नहीं है, कोई कह रहा है आ गई हैं, और न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि इसकी डेट अगले हफ्ते में आएंगी। लेकिन मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं सीतापुर में रहता हूँ, KV में पढ़ता हूँ, यहाँ के टीचर्स कह रहे हैं कि इसकी डेट आ चुकी है और इकोनॉमिक्स का पेपर 3 अप्रैल को और मैथ्स का पेपर 4 अप्रैल को कराने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, इसमें मैं बिल्कुल अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। आप लोग अपने टीचर से भी कन्फर्म कर लीजिएगा इस डेट के बारे में। यदि सही है तो ठीक है, नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा। यदि गलत है तो भी बताइएगा। तो आप मेरी राय मानिए, इस डेट के बारे में अपने भी टीचर से कन्फर्म कीजिए और आसपास के लोगों से भी देखिए। तो दोस्तों, ये CBSE की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है कि दिन ब दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। कभी इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हो रहा है, कभी अकाउंटिंग का, और आज इकोनॉमिक्स और मैथ का भी लीक हो गया। इससे भी पहले पेपर लीक होते रहे, लेकिन ये CBSE की सबसे बड़ी गलती के रूप में सामने आया है। इससे CBSE भी की रिपुटेशन भी बहुत ख़राब हुई है। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जावड़ेकर साहब ने बताया है कि CBSE भारत का सबसे अच्छा बोर्ड माना जाने वाला था, बहुत ही ईमानदारी से काम करता था और इसमें चीटिंग का नामो निशान तो लगभग बहुत कम ही था। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद लोगों का विश्वास इस पे से उठ रहा है। मेरी एक गुजारिश स्टूडेंट्स के से भी है कि वो परेशान ना हो और दोबारा उसी जोश में मन लगाकर पेपर दे जाके। इससे शायद फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ बच्चों का नुकसान भी हो सकता है इससे, इसीलिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग जाएँ, फिर अपना पेपर दें जाके। जैसा कि डेट निकलती है, यदि कोई और भी आती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे मुझे नई वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।